हेलो एवरीवन, करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन ये है आपका। तो कैसे करते हैं, देखिए। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ₹x, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹y। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार पहली कंडीशन में क्या है, 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम का ₹x, 2 किलोग्राम का 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का कितना है ₹y है, तो प्लस y, कुल कितने रुपए बनते हैं ₹160। बस एक इक्वेशन तो यही बन गई है बीजगणित रूप जिसको करें। दोबारा प्रश्नानुसार पूछता है दोबारा, फिर एक महीने के बाद क्या हो जाता है, 4 किलो सेब, 1 किलो सेब का x, 4 किलो का क्या हो जाएगा 4x, और 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का y, 2 किलो अंगूर का क्या हो जाएगा प्लस 2y, और कितने रुपए हो जाता है ये ₹300। चाहे तो इसी से ग्राफ खींच लेंगे, चाहे तो इसको काट सकते हैं हम दोनों तरफ से, थोड़ा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। 2 से काटेंगे दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 150 दूनी 300, तो आपकी 2 इक्वेशन हो गई है। तो ये इक्वेशन कौन कौन सी, एक तो 2x + y = 160, दूसरी 2x + y = 150। ये तो गया इनका क्या, बीजगणितीय रूप। ठीक है जी, अब इनसे इनको अब बीजगणित रूप ये हो गया, अब इनको दिखाना ज्यामितीय रूपों में दिखाना है, ज्यामितीय या ग्राफिकल या ग्राफ खींच के। तो ग्राफ के लिए जैसे पता हमें क्या करना, तो पहले हम टेबल बनाते हैं, टेबल बना के फिर जो है ग्राफ खींच लेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी, 2x + y = 160, 2x + y = 160, और यहाँ से y = 160 - 2x। टेबल बनाते हैं ऐसे, पीछे क्वेश्चन कर लिया आपने, पता भी चल गया होगा अब तक x और y। x की वैल्यू ले लेते हैं पहले, 60 लें डिस्पोज कीजिए, 60 दूनी 120, और 160 में से 120 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 40 बच जाएंगे। फिर अगली वैल्यू 40 ले लीजिए, मान लीजिए x की, 40 दूनी 80, 2 गुना 40 से 80, 160 में से 80 जाएंगे, कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 80 ले ली, मान लीजिए 80 दूनी 160, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, जो हमने ये जो वैल्यू लिया 80 दूनी 160 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो आपकी इक्वेशन क्या आती, वो ये 2x + y = 150, 2x + y = 150, यहाँ से y = 150 - 2x। फिर वैसे ही टेबल बनाते हैं, ये x, ये y, x की वैल्यू डिस्पोज कीजिए, हमने ले ली 70, 70 दूनी 140, कितने बच जाएंगे 10। x की वैल्यू ले ली 80, 80 दूनी 160 माइनस के, पूरे प्लस के 150, कितना बच जाएगा माइनस का 10। और फिर तीसरी वैल्यू ले ली हमने जो है 60 ले ली, मान लीजिए 60 दूनी 120, 150 में 120 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 30 बच जाएंगे। तो ये 2 टेबल हमने बना ली हैं ग्राफ खींचने के लिए। अब ग्राफ खींचते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मैंने पहले से लाइन ड्रा कर रखी है, ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस है, पता ही आप पहले भी कर चुके हैं। तो पहले जो है इस टेबल का ग्राफ खींचते हैं, एक्स की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 40, यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू 60 और वाई की वैल्यू 40, जहाँ पे दोनों मिलते हैं 60 और 40, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, एक्स की वैल्यू 40 और वाई की 80,
एक्स की 40 और वाई की 80 जहाँ दोनों मिलते हैं, 40 और 80। फिर तीसरा पॉइंट था एक्स की वैल्यू 80 और वाई की 0। एक्स की वैल्यू 80 ये यहाँ पे और वाई की 0 ये पॉइंट हो जाएगा। वो जब तीनों पॉइंट देख रहे हम जो है एक सीध में आ रहे हैं दिख रहा है वैसे ही, अगर तीनों पॉइंट एक सीध में आ गए इट मीन्स हमारा ग्राफ सही है। तो जब आपको तसल्ली करनी होती है तो तीन पॉइंट लीजिए, जब आपको कॉन्फिडेंट होता है हाँ भी मेरे दोनों सही होंगे तो आप दो पॉइंट से भी ग्राफ खींच सकते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन का होगा किसका होगा ग्राफ, ये पॉइंट्स वैसे लिखने होते हैं अपने को ये, जैसे ये पॉइंट क्या जाएगा आपका एक्स 40 वाई कितना 80, ये पॉइंट क्या हमारा एक्स 60 और वाई कितनी 40, और तीसरा पॉइंट जो हमारा एक्स 80 और वाई कितना 0, और ग्राफ किसका था ये 2x plus y is equal to 160, इसी इक्वेशन का ग्राफ था। अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ के लिए पॉइंट क्या क्या देखिए, x 70 और y 10, x 70 और y 10 ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 70 और 10। दूसरा पॉइंट हमारा x 80 और y माइनस 10, x 80 और y माइनस 10, माइनस 10 यहाँ पे y देखिए नीचे ये माइनस 10, x 80 और y माइनस 10 ये पॉइंट, x 80 और y माइनस 10। और तीसरा पॉइंट हमारा x 60, x 60 और y 30, x 60 और y 30, 60 और 30 ये पॉइंट तीसरा हो गया 60 और 30। तीनों पॉइंट्स को फिर मिला दीजिए, दिख रहा है लाइन क्या रही है आपकी पैरेलल आ रही है, ये दूसरी जो कंडीशन थी उसका ग्राफ हो गया। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी 2x plus y is equal to 150, ये किसका है 2x plus y is equal to 150 कहो, चाहे दूसरे इसकी जगह है ये भी कह सकते हैं 4x plus 2y is equal to 300, एक ही बात है क्योंकि हमने इसको काट दिया दोनों साइड से। ठीक है, इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक यू।